हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ हरजीत सिंह। आई एम हिंदी टीचर फ्रॉम अदरस सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैशियरगढ़। वेलकम टू हिंदी क्लास। पिछले बड़ी वीडियो में हमने चिन्हों के बारे में किया था, अब करेंगे आगे वर्ण। वर्ण में वर्ण के बारे में बताएंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। दोबारा रिपीट करेंगे। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण कहलाती है, जैसे अ, ई, उ, क, ख, ज, ट आदि। वर्ण के भेद: स्वर, व्यंजन। स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाएं वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 है। दोबारा रिपीट करेंगे स्वर के बारे में। यो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाएं वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 है। ए, आ, ई, आई, उ, औ, री, ए, आए, ओ, आओ। आगे इसके भेद हैं: हर्षव, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्षव स्वर कहते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्षव स्वर कहते हैं। यह 4 है, इनकी संख्या 4 है। ए, ई, री, उ। आगे इसका सेकंड पॉइंट करेंगे। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 है। आ, आई, औ, ए, आए, ओ, आओ। आगे इसका तीसरा पॉइंट करेंगे। प्लुत जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। दोबारा करेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। आगे वर्ण के, हमने स्वर का ये पॉइंट किए थे। इसके आगे इनके स्वर के भेद थे: हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब करेंगे सेकंड पॉइंट वर्ण का, व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। यह संख्या में 33 हैं, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। यह संख्या में 33 हैं, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको अच्छी अच्छी तरह लिखना भी है और याद भी करना है। मुझे आशा है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
आगे वाली वीडियो हम आगे डालते रहेंगे। थैंक यू।